हेलो माय डियर एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस इंग्लिश का, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उस समय कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उस सिचुएशन पे आप यही सेंटेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में ना यूज़ करके अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? तो अगर आपको कहना हो कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे Nice to meet you। किसी से भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई बड़े आदमी हैं और आपको कहना हो कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं कि Nice to meet you। ठीक है, आपसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्मार्ट बन सकते हैं। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई छोटे या बड़े भाई बहन या कोई भी, तो आप उससे कहना चाहते हैं कि जाकर अपना काम करो, जाकर अपना काम करो। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो डियर, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे गो डू योर वर्क, गो डू योर वर्क, यानी कि जाकर अपना काम करो। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, मान लीजिए कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको कहना हो मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप ये वीडियोस देख रहे हैं इंग्लिश की, तो आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे मुझे परेशान मत करो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट बॉदर मी, डू नॉट बॉदर मी। तो इस तरह आप इन सेंटेंस का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और इस वीडियो के थ्रू आपको 3 इंग्लिश के स्मार्ट सेंटेंस जानने को मिले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टीम क्लासेस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।